قمر شہ کی بس دو ہی تو صدمے تھے، ایک فکر تھی زینب کی اور دوسرا غم تیرا، دل سینے میں جب تک بنا لے ماشاء اللہ جزاک اللہ، ادھر بھی کھڑے ہیں لوگ سب بنا لے آگے لے جزاک اللہ، مولا کو پوسا دے سب بنا لے جتنے لوگ کھڑے جزاک اللہ ماشاء اللہ سب بنا لے ماتم کے کیفیت ہے اس کی اور یو پی کا خاص انداز پڑھنے کا، ہائے یثرب میں آئی خواب میں زینب کے یوں بطول، ماتھا بھرا تب سر پر ردا نہ تھی، زینب نے پوچھا کس کے لہو سے
माँ कहाँ न थी, ये माँ कहाँ न थी, ज़ैनब सफर में साथ तेरे, माँ कहाँ न थी, ये माँ कहाँ न थी, ये माँ कहाँ न थी, ज़ैनब सफर में साथ तेरे, माँ कहाँ न थी, ये माँ कहाँ न थी, ये माँ कहाँ न थी। अरे रोई तुम्हारे साथ बहादुर की लाश पर, अकबर की लाश पर, साहिब अजान थी, ये माँ कहाँ थी, ये माँ कहाँ थी, ज़ैनब सफर में साथ तेरे, माँ कहाँ थी, ये माँ कहाँ थी, ये माँ कहाँ थी, ज़ैनब सफर में हुसैन ने मांगा था जिस घड़ी, खैमे में बीबी तू गशाया था जिस घड़ी, क्या साथ साथ थोड़े के मैं नंगे पान थी, ये माँ कहाँ थी, ये माँ कहाँ थी, ज़ैनब सकीना।
पास नब लौट के आएगा सकीना, अब्बास 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 नब लौट के आएगा सकीना। के भाई से विदा हो के यूं फरमाते थे मौला, कौन मेरे घर को संभालेगा सकीना, ना रो ना सकीना, ना रो ना सकीना, अब्बास नब लौट के आएगा 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 सकीना, अब्बास नब जज़ाकअल्लाह मातमी। इंशाअल्लाह आखिरी शब में कुछ देर ज़्यादा मातम करेंगे और मजलिस अपने सही टाइम पर इख्तिताम हो तो मोमिनीन को आसानियाँ रहती हैं। वक्त बहुत कम है, बस अलविदाई कलाम आखिरी दो तीन मिसरे अब मातमियों के लिए पढ़ रहा हूँ। जिंदा से रिहा हो कर जिस दम जब कर्बला में आए हरम, नाके सिगरी ज़ैनब दुखिया और जख्मी जख्मी रखती कदम, रोकर गाजी से कहने लगी बाबा ने मुझे समझाया था, ऐ बेटी घर में पैदल चल, चलना है तुझे मीलो तनखा, पैदल टूरना आ गया अब्बास, मैं को पैदल टूरना आखिरी मिसरा अलविदाई मिसरा, मैं को पैदल टूरना अलविदाई मिसरा मातम आपका, मैं को पैदल टूरना आ गया अब्बास, मैं को करना आ गया अब्बास, मैं को पैदल करना आ जा गला के मशकों वालों के वाले मेरे के शाहे वफा, आवाज दे के उम्मुल बनी के या उसे
بارے الہ بن کے سوالی تیرے حضور، دامن میں اپنے لائے ہیں بے انتہا قصور، لیکن ہمارے سینوں پہ ماتم کا دیکھ نور، کہ اپنے نبی کے صدقے میں بخشے گا تو ضرور، یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. الفاتحہ برائے شفائے مرض.